हेलो एवरीवन, आज फिर ज़्यादातर एक्सरसाइजें बैठ के ही हैं। कल मैंने देखा चेयर पे तो काफ़ी खिंचाव आता है बॉडी पे, तो मैंने सोचा आज फिर मैं बैठ के ही करूँगी। जो भी एक्सरसाइज करूँगी बस थोड़ी बहुत है जो खड़ी होकर है, और उनके लिए मैं ये डाल भी रही हूँ जो यूँ कहते हैं ना, हम खड़े होकर नहीं कर सकते, ज़्यादा वेट है या यूँ है, तो आप बैठ के भी कर सकते हो। बैठ के भी काफ़ी एक्सरसाइज हैं, कल भी बताया था मैंने, जिस तरह छोटा स्टूल ले लिया और हर एक को मैंने 50 बार कराया है। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस जीव लोक से टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। जी राम राम सभी को। टाइम हो गया सुबह 7, यहाँ टाइम का पता ही नहीं लगता। आदमी इतना लगा रहा है, बिजी हो जाता है इतना करने में ना। क्यों, एक तो यूँ नहीं पता लगता अंधेरा है क्या है, और फिर घड़ी नहीं है, फोन में ही देखनी पड़ती है। सच बोलती थी तो थोड़ा चंदने का पता लग जाता था, अब नहीं पता लगता। अब तो 7:15 हो गए, बल्कि लेट हो जाती हूँ। चलती हूँ फटाफट से, हम रह जाते हैं फिर। जी राम राम। तो सुबह सुबह एक शिफ्ट तो ली, अब अपने बेडशीट वगैरह ठीक करूंगी ना। आता ही एकदम ऊपर से 7:15 तो हो गए थे। पहले तो मक्खन निकाला, फिर ये गर्म करे कि गर्म करा है, कुछ मक्खन रख लिया ताजे वाला, और इसमें बथुआ बॉयल करना रखा है। फिर बेटा बोला मैंने अपने हिसाब से दूसरे छोले बनाने हैं, उसके छोले बॉयल करे, उसमें कुछ सामान डाल गए ना, सारा कुछ बनाई वो अपने आप लेगा। और लस्सी सानी, जो सब्जी अब अपने बनानी है ना, हमारे अपने किचन गार्डनिंग के हैं, तो आलू बैंगन बनाओगे। आलू छीले, बैंगन धोकर रखे, प्याज छील के ना रोरा, आटा भेज दिया, इतना बहुत बथुआ बॉयल हो जाओगा थोड़ी ही देर में। तो अब इस शिफ्ट का मेरा सारा हो गया, तो दूसरी शिफ्ट में फिर सब्जी बनाने घुसूंगी, जब साथ के साथ ही हो जाएगा टिफिन और वो, तो ना इतना मैं बेड शीट और वो चीज़ें ठीक करती हूँ सारे बेड। एकदम यूँ कह दिया ना मैंने, तो 9:45 ही निकलना है, तो फिर फटाफट सब्जी लगी हूँ बनाने। उधर से रहता भी बॉयल बथुआ बॉयल होया है, ये कुटा है कुंडी में, मैं अपने हिसाब से लगा करूँगा। एकदम यूँ कह देना, 20 मिनट के अंदर ही मैंने तो अभी जाना है, तो एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं, जिसमें मेरी सब्जी रह रही थी बनानी। क्यों, मैं अपने टाइम के अनुसार करती हूँ, ताकि टाइम तक मैं बना कर नहीं दे दूँ। 2 मिनट में इतना सब्जी बनाएगी, इतना मैं रायता बना देती हूँ, अब बन जाए फटाफट। अब थोड़ा सा टाइम से खा रही हूँ, अब बिना नहाए तो ये खाया करूँगी, क्यों जोत बत्ती का हस्बैंड को सौंप दिया। मैं लेट हो जाती हूँ बिल्कुल, 11 बजे ही उल्टा हो जाता है मेरा सारा काम। आज सुबह जोत बत्ती आप करो, शाम को मैं कर लूँगी। तो आज मैंने अपनी बनाई है रोटी स्टफ, कल वाली पत्ता गोभी मटर बची हुई थी तो वो मैंने डाल दी अपनी रोटी में। रोटी है और रहता है ब्रेकफास्ट में, आज ये ले रही हूँ, ये खाने को दिल कर रहा था। आगे पता नहीं क्या हो रहा है, आज घूमते फिरन लायक रहे हैं, कौवे भी हैं बीच में कहाँ कहाँ करते, इसके कारण है ये बाज बैठा मेरे ख्याल से, नीम ये बैठा, इसके कारण लायक रहे हैं सारे आज कौवे। और येरा ये किस तरह घूम रहे हैं, ये आज नया आया है ना, कौवे ज़्यादा काय काय कर रहे हैं। आज यहाँ बाइकों पे है ना बच्चे फिरते हैं, जो पटाखे हैं लगाए वो लगाए फिरने लग रहे हैं, कबूतरों की जान शामत मार रही है बेचारे, ऐसे घूम रहे हैं पागलों की तरह। फिर आए थे इतनी तो तेज चलाते हैं, फिर ये पटाखे बजाते हैं, ये अब फिर इतने ही घूम रहे हैं। बैक कैमरे से दिखाऊं तो बिल्कुल पागल हो फिरने लग जाते हैं, क्यों छोड़ते हैं इस तरह के पटाखे, ये देखे कितने पीछे को देखे कैसे घूम रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। आज कोई यूँ ही होंगे ना, आवारा है बच्चे जैसे हो जाते हैं बुलेट पर ना, पटाखे छोड़ती जा कर बुलेट। इतना काम लगी हुई थी, कई देर से देख रही थी, तीसरा चौथा राउंड है इनका बाइक पे ऐसे घूमते हुए आना, जो मेरे को घंटा सारा हो गया है ना, पता नहीं कहाँ से आए होंगे, हमारे सेक्टर के तो नहीं हो सकते, कभी देखे भी नहीं इस तरह पटाखे बजाते हुए। पता लग जाता सेक्टर में इस तरह के उनका लड़का भी यूँ कर रहा है बाइक पर पटाखे लगा रहा है, कहीं बाहर के ही है। थोड़ा सा काम और रह रहा है, और थोड़ी ही मेथी और हार्वेस्टिंग करूँगी। आज आए थे गमले, इन्हें भी साथ में उठा कर ला रही हूँ, 10 की पैकिंग है, तो ऑफ आ रहा था तो पहले 4 मंगवाए थे, फिर हस्बैंड बोले 4 नहीं और मंगवा ले जब सेल है, तो सेल में प्लास्टिक के हैं, फिर 8 और मंगवा लिए, 4 कल परसों मंगवाए थे, तो ये आज ही आ गए फिर अच्छी प्लास्टिक। मैं आई थी जब सीधे उठाई लाई थी, सुबह सुबह ही दे गया था, 11:15 ही आई थी मैं, तो रखे हैं भाई। यूँ था बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े, क्यों सुराख करने वाला तो नीचे पड़ा है, अगर सुराख भी करूँगी तो इनमें बैठ के ना अभी सुराख होएगा भी नहीं, जिस दिन लगाएंगे उसी दिन सुराख करेंगे, 1-2 दिन पहले कर देते हैं। बस यूँ मंगवा लिए, हाँ भाई ऑफ आ रहा है, तो 4 जो मंगवाए थे वो ठीक थे, बढ़िया मजबूत लगे, और मिल्टन वाले जो हम लाते हैं उनसे सस्ते भी पड़ रहे थे, इसलिए फिर मंगवा ही ले। चलो आज सारा सैलेड पत्ता काट लिया,
और टाइम हो गया 12:30, सारा तो पत्ता काट लिया और मेथी ले ही है, मेथी काटी है, मेथी की ज़रूरत पड़ रही थी, कई दिन हो गए थे रोटियां में डले हुए, कटिंग सेटिंग जो भी करनी थी वो कर दी। धूप तेज है, एकदम सिर में दर्द होया ना, 1.5 घंटा हो गया काफ़ी तेज़ धूप निकली है, सुहा नहीं रही। 7 दिसंबर हो गया, दिसंबर की 7 तारीख, धूप सुहा नहीं रही, इतनी तेज़ निकल रही है, तो एकदम ही सिर में ऐसा होया ना, और अब अपने आप ही आराम लगने लग रहा है, पर मूड सा यूँ हो गया जैसे सिर में होते हैं, एकदम यहाँ से आसन हुआ तो चलती हो, काम वैसे हो भी गया मेरा, ज़्यादातर हो ही गया, सारा ही हो गया आज का तो जितना भी था, अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और इनको गमलों को उठा कर रखूँगी, तो जो काटना था वो काट लिया, वो क्यों पानी अब देना नहीं, आज देना नहीं हो गया, परसों दिया था तो परसों कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं, तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, उस दिन खड़ी देव को खड़ी का जो दिया था तो पानी ज़रूरत होती है तो ये दे देते हैं ना, अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती, 2-3 दिन बाद की होती है पानी की, अब ज़रूरत डेली नहीं है, पानी वाला वो टंटा मिट गया, गर्मियों में तो 2-3 बार देना पड़ा था, अब यूँ है 2 दिन बीच में गैप दे देते हैं पानी का, तो चलते हैं अपने। बना आज रोटी तो खाऊंगी, क्यों सुबह कर लिया था ब्रेकफास्ट, भूख सी है नहीं, मन हाँ नहीं करता, देखूंगी क्या बनाऊंगी क्या खाऊंगी, तो जाके देखते हो। वेलकम बैक, सुबह छोले बॉइल्ड करे थे तो आज बेटे ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लाल मिर्चे साबुत पड़ी हुई है, मैंने मसाले निकाल दिए थे वैसे ही ना, रोस्ट करके ना अपना अपने आप कराया, मसाले मैंने निकाले थे, काटा पीटा सब कुछ छील कर रख दी थी चीज़ें, प्याज है लहसुन है, तो बहुत अच्छी खुशबू आई हुई है, कुछ सैलेड के लिए बचा लिए हैं अपने, शाम में सैलेड में काम आ जाएंगे, शाम में या 2-4 दिन खराब नहीं होते, ऐसे ही बॉइल करके फिर मैं रख लिया करूँ, एक बार बैग से दिखाती हूँ छोले, शकल से ही पता लग जाए ना, जैसे छोटी हुई है ग्रेवी बन रही है और लाल मिर्चें यूँ पड़ी हुई हैं, तो वैसे ही छोला भाई अच्छा बना हुआ है, खुशबू से ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, भटूरों वाला छोला है। अब मैं इसके लिए रोटी सेक देती हूँ, मैंने आज खाने नहीं थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी खाने को, सुबह मैंने उस टाइम परांठा खा लिया, वो इसीलिए खाया था, मैं दिन में कुछ नहीं खाऊंगी, बस अब ओट्स मैंने भिगोए हुए हैं रोस्ट करके, थोड़ी स्मूदी ही बनाऊंगी, बस मन नहीं था आज मेरा बिल्कुल भी, खा देती हूँ इसके लिए रोटी ना, इसी से नहीं खानी है, माँ ने भी नहीं खानी और मैंने भी नहीं खानी, मैंने अपनी स्मूदी बना लेनी, तो बाद में मिलते हैं। ये कॉफ़ी भी बन गई और ओट्स भी मेरा। ये फिर शाम का टाइम है, तो जो छोले बॉयल करे थे हम बचा लेते हैं, तो उसमें मैं छोले थे, प्याज था, धनिया था, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मिला कर और उसका पेस्टा बना लिया था, बिल्कुल ही बारीक बारीक हाथों से अच्छी तरह से मैश करके ना, फिर उसमें बेसन डाल लिए थे 2 चम्मच और काली मिर्च, जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी ही एक चुटकी ही हल्दी और एक नींबू निचोड़ कर ना, और उसको फिर अच्छी तरह से फिर मैश कर लिया था, मैश करने के बाद हाथों पे थोड़ा तेल लगाकर उनको एक टिक्की ही की शेप दे दी थी, और उधर से मेरा एयर फ्रायर प्री हीट होने लग रहा था, मैं इतना ये बनाऊंगी तो इतना वो एयर फ्रायर गर्म हो जाएगा, फिर इन पर ब्रूश से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ना रख दूंगी। जी राम राम, टाइम हो गया 6:30, तो मैंने अपने कटलेट इसमें लगा दिए हैं, बना दिए हैं, पूरी रेसिपी भी डालती हूँ, मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ, मैं तो जो कुछ भी बनाती हूँ, कभी आज उसमें जैसे बेसन मिला दिया था, कभी ओट्स मिला देना, कभी कुछ, तो ऐसे ही चीज़ें बनाते हैं मम्मी बेटा, रात को ज़्यादातर हल्का भी रहता है और जैसे इसमें डीप फ्राई भी नहीं हो रहा, तो एयर फ्रायर में अपना लगाए हुए हैं, तो बनने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये हमारे कटलेट बन गए हैं, दोनों मम्मी बेटा के बगैर तेल के, पहले आप अपना कटलेट और वीडियो की भी एंडिंग कर देती हूँ, खाना भी आज इतना नहीं बन रहा, अब 2 रोटी बननी है मामा की, तो और शादियों का सीजन चला हुआ है तो शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो फिर नहीं बनेंगी, और सब्जी दिन की बची हुई है, हम अपना लोग खा रहे हैं, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।